दोस्तों आप लोग भी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला मुकाबला देखने के लिए इच्छुक हो तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। दोस्तों आप सभी को बता दें वनडे वर्ल्ड कप का शुरुआत बहुत ही शानदार हो चुका है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी पहली वनडे मुकाबला खेला जाने वाली है जिसके लिए हो चुका है तैयारी। रोहित शर्मा गुस्से में आकर घोषित कर दिए प्लेइंग 11 और प्लेइंग 11 ने कई बड़ी बड़ी भुवनेश्वर को दे चुका है मौका। उसी के साथ शुभमन गिल हो चुकी है प्लेइंग 11 से बाहर, उसके समेत दो बड़ी खिलाड़ी भी हो चुके हैं बाहर। लेकिन कौन कौन सी खिलाड़ी को लेकर रोहित शर्मा उतरेंगे एम चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहला वनडे मुकाबला खेला जाने वाले। दोस्तों आप लोग भी चाहते हो कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहली वनडे मुकाबला वो जीत जाए तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। दोस्तों आप सभी कहते थे वनडे वर्ल्ड कप का आगाज काफी शानदार रह चुका है, ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी बड़ी बड़ी मुकाबला के भी आयोजित कराया जाता है। आप सभी बताते दोस्तों वनडे वर्ल्ड कप से पहले भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया था, जिसमें दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 वनडे सीरीज की आगाज किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे वर्ल्ड कप 2023 की पहली मुकाबला खेला जाएगा। मैच नंबर 5 8 अक्टूबर संडे और भारतीय समय अनुसार 2 बजे ये मुकाबला हम सभी को देखने को मिलेंगे। मुकाबला दोस्तों हम सभी को एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई से देखने को मिलेंगे, जिस चेन्नई के पिच को ऑस्ट्रेलिया और भारत की सभी खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में बात करें तो भारत के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौती रहेगी, जैसे कि स्टीवन स्मिथ हो या तो डेविड वार्नर हो, ये बड़ी बड़ी विकेट को कैसे चमकाएंगे, उस काम को जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज निभाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने घोषित किया कौन कौन सी खिलाड़ी को मिलेगा प्लेइंग 11 से मौका, कौन कौन सी खिलाड़ी होंगे प्लेइंग 11 से बाहर, आपसे बताएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ये पहली मुकाबला खेलने के लिए जा रही है। तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने घोषित किया भारत के प्लेइंग 11 रोहित शर्मा के साथ आप सभी को ईशान किशन नजर में आ सकते हैं, जो कि आईपीएल में भी बहुत बढ़िया धुआंधार पल्लेबाजी दिखा चुके हैं। ऐसे में हम लोग उनकी भी दोहरा शतक भी देख चुके हैं, तो ओडीआई में बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं ईशान किशन, और दोनों बल्लेबाज अपने आपको बहुत ज्यादा टाइम दे चुके हैं और अपने आपको साथ बहुत ही बढ़िया मुकाबला बहुत सारी खेल चुके हैं। ऐसे में नंबर 3 के ऊपर टॉप ऑर्डर में विराट कोहली नजर आएंगे, तो नंबर 4 के ऊपर सुरेश अय्यर नजर आएंगे, जो कि ओडीआई में बहुत ही बढ़िया लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं और भारतीय टीम को जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्षम करते हैं। ऐसे में बात कर जाए तो नंबर 5 के ऊपर मुकाबला में दोस्तों फिनिश करने के लिए और एक लंबी लंबी छक्का लगाने के लिए दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी सिक्स लगाने के लिए सलामी विकेट के ऊपर बल्लेबाज के एल राहुल नजर आएंगे, जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी करते हैं। नंबर 6 के ऊपर हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंडर की पारी निभाएंगे। 7वें स्थान पर रविंद्र जादूगर जाडेजा अपने दमखम दिखाएंगे, जिस प्रकार हम लोग देख चुके हैं बहुत ही बड़ी बड़ी मुकाबला में जाडेजा और पांड्या की बहुत ही बड़ी हाथ होता है। ऐसे में नंबर 8 के ऊपर स्पिनर और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन नजर आएंगे, जो कि काफी शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। तो नंबर 9 के ऊपर जसप्रीत बुम बुम बुमराह नजर में आएंगे, जो कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट कौन बोलता है डेथ पर स्पेशलिस्ट, तो गेंदबाजी करके ये बहुत बड़ा विकेट दिलाएंगे। नंबर 10 के ऊपर मोहम्मद सिराज नजर में आएंगे, जो कि एशिया कप में अपनी छाप भी छोड़ चुके हैं आखिरी खिलाड़ी के रूप में। प्लेइंग 11 में मोहम्मद शामी नजर में आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं और फ्लैट विकेट देते हैं। दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके अवश्य बताएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पहली वनडे अंतरराष्ट्रीय मुकाबला को कौन सी टीम जीतेंगे, जो कि वर्ल्ड कप की शुरुआत मुकाबला दोनों टीम के लिए। आप लोग नीचे कमेंट करके अवश्य बताएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।